बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा फरमान सुनाऊंगा। आप दोस्तों ने इस पर ज़रूर अमल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातों पर मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, तीन बातों पर मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमा रहे हैं। नंबर एक, सदका देने से आदमी का माल कभी कम नहीं होता। कि सदका दें तो आपके ज़हन में ये आए कि आपका माल कम होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं ये कभी हो ही नहीं सकता। नंबर दो, अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर अगर कोई शख्स सब्र कर ले तो अल्लाह ताला इसकी इज्जत में इजाफा फरमा देता है। यानी आपके ऊपर जुल्म हो रहा है और आप सब्र करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, तो अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा फरमा देता है। नंबर तीन, जो आदमी लोगों के सामने है हाथ फैलाने लगे, अल्लाह ताला इस पर गुर्बत का दरवाज़ा खोल देता है। नंबर तीन, जो आदमी लोगों के सामने हाथ फैलाने लगे, अल्लाह ताला इस पर गुर्बत का दरवाज़ा खोल देता है। यानी भीख मांगने लगे, लोगों से मांगने लगे, अल्लाह पर तवक्कल छोड़ दे और भीख मांगना वो आदत बना ले, तो इसके लिए ये फरमाया गया कि अल्लाह ताला उस पर गुर्बत का दरवाज़ा खोल देता है। अल्लाह ताला हम सबको इस बुराई से बचाए कि हम किसी के सामने हाथ फैलाएँ, बल्कि हम हर टाइम अल्लाह के हुजूर ही सजदा करें और अल्लाह ही से मांगें, अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें सब्र करने वाला बनाए और अल्लाह हमें सदका देने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।